22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। हम सभी का परम सौभाग्य है जो इस दिन के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। लेकिन यह एक रक्त रंजित यात्रा है। लाखों बलिदानियों ने अपना बलिदान देकर इस यात्रा को तय किया है। पिछली श्रृंखला में हमने कई बलिदानियों की चर्चा की है। आज हमारी चर्चा का विषय है 20 वर्षीय वीरांगना राजकुमारी, जिसने राम मंदिर आंदोलन में साहस के साथ सामना किया। जय सियाराम दोस्तों, मैं साधना सुमन भारत भारती चैनल के माध्यम से अपने सभी परिवारजनों का, देशभक्तों का, राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आशा करती हूँ सभी कुशलतापूर्वक होंगे। हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह जी मुगलों से भीषण संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी 20 वर्षीय वीरांगना राजकुमारी जयराज ने रणचंडी का रूप लेकर मुगल सेना से युद्ध किया। 3,000 सैनिकों के साथ राजकुमारी ने जन्मभूमि के पास गौरिल्ला युद्ध किया। राजकुमारी के गुरु सन्यासी स्वामी महेश्वरानंद थे, जो गांव गांव में घूमकर क्षत्रियों को जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना दे रहे थे। युद्ध जारी था, रक्त बह रहा था, आस्था लड़ रही थी। क्षत्रियों की सेना शांत नहीं बैठी, हमले पर हमले जारी थे। सन्यासी, दंडी, वैरागी, संत महंतों ने अलग जगाना शुरू किया और यहाँ तक कि बाबरी ढांचा तामीर हो जाने के बाद भी बाबर के बाद तक यह संघर्ष जारी रहा। बाबर के बेटे हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबरी ढांचे पर क्षत्रियों ने कब्जा पा लिया, लेकिन तीसरे ही दिन शाही फरमान आ गया और जन्मभूमि पुनः छीन ली गई। तब फिर से इसी दल ने, इसी वीरांगना ने अपनी सेना के साथ करीब 20 बार हमला किया और राजकुमारी जयराज के नेतृत्व में आखिरी हमले में शाही सेना काट डाली गई, सारी छावनियां फूंक दी गईं। अंत में वीरांगना राजकुमारी जयराज भी वीरगति को प्राप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अंत में वीरांगना राजकुमारी जयराज भी वीरगति को प्राप्त हो गई। ऐसी है हमारी रक्त रंजित यात्रा राम मंदिर आंदोलन की। धन्यवाद दोस्तों।